का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के बारे में, ये करीबन 40 साल हो गया ये एक्ट को बनाया हुआ। तो हमारा बहुत सारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से काफ़ी पहले से ही डिमांड था कि इसको रिपील कीजिए। तो मैं वो एक्ट पढ़ के देखा तो ये एक्ट तो ऐसे ही कुछ भी उस एक्ट में नहीं है। पता नहीं आप लोग में से कितने लोग ने पढ़ा नहीं पढ़ा। तो मैंने वहाँ पे बंदर देवा में एक फंक्शन था, तो उस फंक्शन में मैंने बोला था कि उसको हम रिपील करेंगे, तो रिपील करेंगे। बल्कि फिर नेक्स्ट दिन हमको जाना था वहाँ पे मणिपुर में, तो मणिपुर में एक मीटिंग था। तो मणिपुर में जाके पता चला है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत उथल पुथल यहाँ पे हो रहा है उस एक्ट को लेके, लोग चाहते हैं कि उस एक्ट को रिपील ना हो। तो मैंने मणिपुर से अपना ट्विटर में मैं ट्वीट किया कि ये इशू जो है इसको आप लोग इशू मत बनाइए, इसको जो भी हो चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट होता है। अल्टीमेटली कुछ भी चीज़ पास करना है पास नहीं करना है वो असेंबली में जाके होता है। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं लीडर ऑफ द हाउस भी हूँ, स्टेट का मुख्यमंत्री भी हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हर एक रिलीजियस ग्रुप को लेके उसको पर गंभीरता से और भी हमको चर्चा करना चाहिए। तो रिसेंटली अभी कुछ आपका इस साल का भी डेलीगेशन हमारे पास आया, हम लोग वहाँ पे 2-3 घंटा हम लोग इस एक्ट के बारे में चर्चा किया। ये 1978 में जीजेन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री पी के थुंगन जी, उन्होंने इस एक्ट को यहाँ पे बनाया। ये एक्ट का बनाने का जो विचार जो है काफ़ी अच्छा था कि अपना इंडिजिनियस लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एक्ट को पास करने के बाद में जो सब्सिक्वेंट जितने भी जो गवर्नमेंट्स आया उस गवर्नमेंट को एक्चुअली रूल्स बनाना चाहिए था, उस एक्ट में वो रूल्स मिसिंग है। इसीलिए आज तक का 40 साल में जो जितने भी जो चीफ मिनिस्टर्स आया या सरकार आया उस एक्ट को अच्छी तरह से एनफोर्स कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे रूल्स जो है वो पूरा मिसिंग है। तो इसीलिए तो चर्चा करते करते अभी मैं इस सबके साथ भी चर्चा किया हूँ और भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको किस प्रकार से बाकी रिलीजियस ग्रुप को भी बुलाएंगे, क्रिश्चियंस को भी बुलाएंगे, हिंदू को भी बुलाएंगे, बुद्धिस्ट लोगों को भी बुलाएंगे। तो अच्छा से करके हम लोग इसमें हम लोग चर्चा करके ही हम लोग फैसला लेंगे। आज आप लोग उस एक्ट को रिपील करेंगे बोल के सोच के आप लोग दुखी नहीं होना है, बल्कि मैं बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, जो भी है हम सीधा सीधा बोल देते हैं, सबके साथ में कंसल्टेशन करके उस रूल्स को उस एक्ट को या तो और भी इंजीनियरिंग बनाना है इन कीपिंग इन माइंड हर एक रिलीजियस ग्रुप का। ये जो एक्ट जो है किसी रिलीजन का अगेंस्ट में भी नहीं बोलता है, किसी रिलीजन का फेवर में भी नहीं बोलता है। तो सबको बैलेंसिंग करते हुए इसको कैसे हम लोग रूल्स बनाना है क्या करना है उसको हम जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसको पर ये चिंता नहीं करने के लिए निशी इंजीनियर्स फेथ और कल्चर सोसाइटी के ओर से 2-point मेमोरेंडम जो यहाँ पे दिया है, एक जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ निशी आर्काइव्स कम कम्युनिटी हॉल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो तेजी गोविंद साहब ने जो कहा, और दूसरी जो यहाँ पे अभी ये हिलोक में है इसलिए लैंड प्रोटेक्शन का यहाँ पे काम करना है बोल के यहाँ पे 2-point मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है। मैं इस दोनों प्रोजेक्ट को मैं इसी साल में सेंक्शन करके आप लोगों को दे दूंगा, ये मेरा तरफ से क्योंकि मैं ब्लॉक अपना सरकार की ओर से आपको देना चाहूँगा। और ज्यादा नहीं कहते हुए अभी इंजीनियर्स चाहे वो जितना भी आकर्षित क्यों ना हो वो मूल्य हीनता है, उसमें कोई जज्बा नहीं है, उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए संस्कृति में वो संस्कृति अमर रहता है जिसमें विश्वास है जिसमें आस्था है। जैसा हम इंसान हम अगर संस्कृति है, हम मेरा शरीर संस्कृति है तो हमारे जान हमारे आस्था है, हमारे जान हमारे धर्म है, हमारे जान हमारे विश्वास है। और जिस शरीर में जान होता है जिस शरीर में आस्था होता है उस शरीर में स्वाभिमान होता है, अभिमान होता है, मान होता है, सम्मान होता है, सहजता होता है, सादगी होता है, भक्ति होती है, प्यार होता है, करुणा होता है। और जिस शरीर में आत्मा नहीं है जिस शरीर में जान नहीं है भले ही वो कितना धनी क्यों ना हो, भले ही वो कितना प्यारा क्यों ना हो, वो एक मरा हुआ शरीर होता है। और वो मरा हुआ शरीर चाहे जितना भी कीमती क्यों ना हो वो कहीं उसको जलाया दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है। ठीक उसी तरह जो भी संस्कृति जिसमें जान नहीं है जिसमें विश्वास नहीं है जिसमें आस्था नहीं है वो कहीं ना कहीं दिन वो जरूर इस दुनिया से उसका पतन होना बहुत ही निश्चय है। इसलिए विश्वास होना जरूरी है। अगर हमारे जो संस्कृति है संस्कृति अगर फूल है तो उसका खुशबू हमारे आस्था है, उसका खुशबू हमारे धर्म है।
गुलदस्ता भी बनता है, रंग बिरंग फूल बनता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। लेकिन जिस फूल में खुशबू रहता है उसका आकर्षण ही अलग रहता है।